మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ శరవేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇక్కడి నాయకులకు కార్యకర్తలకు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు బీఆర్ఎస్ అధినేత సీఎం కేసీఆర్ గారు స్వయంగా నాందేడ్కి వచ్చి శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్ర ప్రారంభించనున్నారు ఇందుకోసం నాందేడ్లోని అనంత్ లార్స్ వేదిక సిద్ధమైంది సర్వంగా సుందరంగా కూడా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది సీఎం కేసీఆర్ గారి రాక నేపథ్యంలో నాందేడ్ అంతా కూడా గులాంబీమయంగా మారింది ఇక్కడ అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి అంటే మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది నియోజకవర్గాల నుంచి ప్రధాన నాయకులకి ఇక్కడికి పిలువనున్నారు వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏర్పాట్లను మా మాజీ ఎమ్మెల్యే శంకరన్న డోనేగా కాదు అదేవిధంగా మాణికం కథాం గారు ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్నాయి సీఎం కేసీఆర్ గారు రాక కోసం ఇప్పటికే భారీ ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు ఎక్కడ చూసినా కానీ ఆయనకు స్వాగతం పలుకుతున్నటువంటి ఫ్లెక్సీలు దర్శనమిస్తున్నాయి అబ్కీ బార్ కిసాన్ సర్కార్ అనే నినాదాలతో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలు దర్శనమిస్తున్నాయి మనం ఈ కార్యక్రమానికి శిక్షణ సరగతులకు సంబంధించిన వివరాలను అనేది తెలుసుకుందాం చెప్పండి ఇప్పుడే ప్రశిక్షణ వర్కీలు ఏ కిస్తారా కియగాయగా కైసరా 288 महाराष्ट्र में जो असेंबली कॉन्स कांस्टिट्यूशन है उसमें से हर कॉन्स्टिट्यूशन तीन प्रतिनिधि यहाँ बुलाए हैं यानी कि कम से कम एक हज़ार प्रतिनिधियों का ये ट्रेनिंग कैंप है और उनको तेलंगाना के सीएम आदरणीय के चंद्रशेखर राव हाथ से ये इनाग्रेशन है आज और कल ये ट्रेनिंग कैंप चलेगा और ट्रेनिंग कैंप के बाद जो यहाँ उनको मार्गदर्शन होगा या सिखाया जाएगा तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाके तेलंगाना मॉडल क्या है के साहब ने तेलंगाना में किसानों के लिए दलितों के लिए हर वर्ग के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई है और वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ है ये सब गांव- गांव में समझा के गाँव गाँव में जाके जो गांव की बॉडी रहती है फादर बॉडी हो किसान बॉडी हो महिला बॉडी हो यूथ बॉडी हो वो बना के तीस दिन ये प्रचार कैंपेनिंग पूरे महाराष्ट्र में दो सौ में चलेगा इधर के लोग तेलंगाना की योजना से क्यों आकर्षित हो रहे हैं अरे क्यों आकर्षित हो रहे बता यहाँ मर रहे किसान लोग गौर गरीब लोग यूथ बेजार है महिलाएं बेजार सब अपने अपने समस्या से जूझ रहे और उधर हमारे नेबर में एक छोटा सा राज्य आठ दस साल में इतना बढ़ोतरी करता है वहाँ जनता खुशहाल होती है और यहाँ किसान आरोज आत्महत्या करे क्यों आकर्षित हुए तो वही आकर्षण है हाल ही हुआ जनसभा बी आर जनसभा और के साहब ने क्या कि उपन्यास दिया उसके बारे में इधर के लोग क्या सोचते हैं हम बोल रहे हैं कि भाई सत्तर साल यहाँ बड़े बड़े पार्टी अलग अलग पार्टी आलटून पलटून सबको महाराष्ट्र के जनताओं ने सत्ता दी है और ये तेलंगाना मॉडल देख के हमें ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे सब नेता सो गए क्या कुछ नहीं इतना संपन्न महाराष्ट्र हो के कुछ भी नहीं कर पाए इसीलिए तेलंगाना मॉडल महाराष्ट्र में लागू करने के लिए बी की सत्ता महाराष्ट्र में लाना जरूरी है अब दस दस हज़ार रुपये पर एकर देंगे परसों हमारा यहाँ का एक कमिश्नर सरकार की तरफ से बात किया कि भाई तेलंगाना के धरती पे किसानों को यहाँ दस हज़ार रुपये एकड़ देना चाहिए तो ही ये आत्महत्या रुक सकते अभी इनको पंद्रह साल हो गए अभी इनको समझ रहा क्या इतने दिन क्यों नहीं समझा के साहब की एंट्री हुई आप सब जाग गए तो भी हमारा इनके ऊपर भरोसा नहीं ये चॉकलेटा देते हैं के सी आर साहब की शेड्यूल का है, कितनी बजे तक यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और किस विषयों देने देनेगा देने जाएगा ट्रेनिंग अभी उनके शेड्यूल से तो 10 बजे तक आने का यहाँ शेड्यूल है और हमारे मानिक राव कदम है चारी साहब सब यहाँ का अरेंजमेंट तो अच्छा किए हैं सबको पासेज विशेष की व्यवस्था है और इनाग्रेशन कम से कम साढ़े दस बजे तो इनोग्रे इनाग्रेशन होगा और बाद में ट्रेनिंग कैंप चालू करेगा चालू होगा और दिन भर चलेगा कल ही चलेगा और पूरा उनको यहाँ के जो आने वाले नेता लोग हैं हर कॉन्स्टिट्यूसी से उनको पूरा पूरा समझाया जाएगा क्योंकि ये कैंप चालू होने वाला चालू होने के बाद यहाँ के राज्यकर्ताओं हिल जाने वाले कोई ना कोई चालाकी वो करेंगे डाइवर्ट ऑफ माइंड हमारे यहाँ के जनता का किसानों का लक्ष्य विचलित करने का हर तरफ से हर तरफ से तरीके से काम करेंगे हमारा लक्ष्य एक ही है अब की बार किसान सरकार ये की लक्ष्य लेके और जय के सी आर ये एक ही लक्ष्य लेके हम ये पूरा कैंपेनिंग करने वाले हैं महाराष्ट्र बीआरएस రైతు सामंती राष्ट्राध्यक्ष कोण मानिकम कदम गारु कोण नार आप किसान के नेता हो फसल और खेत के लिए पानी के लिए कैसे मुश्किल इधर रहे इधर बोले तो मुश्किल क्या पूछना ही मत कम से कम दिन में छः घंटे बिजली आती है हर किसान बिजली के लिए तरसता है पानी की तो बात ही नहीं यहां हर गांव में ये नांदेड़ सिटी है नांदेड़ सिटी में भी 8-8 दिन पानी नहीं आता और बिजली का तो पूछो मत बिजली कब आती है और कब जाती है ये किसी को मालूम ही नहीं और इतना लो होल्टे होता है अगर बिजली आ गई तो हमें ऐसी डब्बी लेके देखना पड़ता है उस बल्ब को बिजली आई क्या नहीं बोल के यानि कि यहाँ महाराष्ट्र में बिजली आने के बाद ब्रेकिंग न्यूज़ होती है जाने के बाद ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती ये महाराष्ट्र के किसानों की बिजली का हाल है दूसरा पानी का जो हाल है सबसे बढ़िया अगर महाराष्ट्र में जो नदियाँ है देश में सबसे ज़्यादा बहने वाली गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र से इसका उगम स्थान महाराष्ट्र है और सब सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में बहती है लेकिन इस गोदावरी के ऊपर महाराष्ट्र के ये जो नेता लोग हैं उन्होंने कुछ भी नहीं किया अभी तक और ये गोदावरी जो है इसे दक्षिण वाहिनी कहते एक हज़ार किलोमीटर का इसका रेंज है और अभी तक इस गोदावरी का कुछ भी फायदा इस महाराष्ट्र के नेताओं ने नहीं उठाया लेकिन हमारे जो केसीआर जी है उन्होंने कालेश्वरम काले डैम पे कंट्री में एक ऐसा राज्य है तेलंगाना जो रबी में फर्स्ट है पैड़ी में यानी कि महाराष्ट्र इतना पानी है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पानी की इतनी किल्लत है कि हर बूंद के लिए किसान तरस रहा है हर हर बूंद के लिए जनावर तरस त्रस्त है यानी कि पानी की किल्लत है बिजली की किल्लत है रोडों की किल्लत है सब किल्लत ही किल्लत महाराष्ट्र में है इसीलिए महाराष्ट्र की जनता के जी को चाहती है और के जी ने जो स्लोगन दिया है आपकी बार किसान सरकार ये महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश को हिलाने वाला स्लोगन है एक ही पहली सभा नांदेड़ में हो गई तो इन्होंने कहा हम एक एकड़ एक को पा एक किसान को पाँच हज़ार छः हज़ार रुपये देंगे दूसरी सभा हमारे शंकर आना जी के यहाँ लोहा में हो गई कि फिर क्या कहने लगे हम आज दिन में बिजली देंगे तीसरी सभा औरंगाबाद में हो ग, हो गई तो आप क्या कहने लगे उनका जो कमिश्नर है वो कहने लगे है उनका उस कमिश्नर जी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ हम उनका वेलकम करते हैं अगर ये वो ऐसी सिफारिश करते हैं लेकिन ये सभा का प्रेशर की वजह से यह सब वो कर रहे हैं हमारी जो बी की मोमेंट शुरू हो गई है इस मोमेंट की वजह से महाराष्ट्र सरकार को ये, ये डिसीजन लेना पड़ रहा है और एक ना एक दिन इनको झुकना पड़ेगा किसानों के वोट के लिए ही ये सब चालाकी चल रही है उनकी और हम जो है हमारा जो गुलाबी झंडा है हर गांव में जाएगा हर गली में जाले जाएगा हर मोहल्ले में जाएगा एक महीने में पूरा महाराष्ट्र गुलाबी हो जाएगा మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ ఎంట్రీ తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంతో పాటు అన్ని పార్టీల్లో కూడా చాలా మార్పు వచ్చిందని చెప్పి ప్రకంపనలు సృష్టిస్తుంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అని చెప్పి అంటున్నారు అయితే ఇక్కడ రెండు రోజుల పాటు జరగనున్న శిక్షణ కార్యక్రమాల కోసం అన్నీ పూర్తయ్యాయి మరి కాసేపట్లో సీఎం కేసీఆర్ గారు ఇక్కడికి చేరుకొనున్నారు ఆయన రాక కోసం పెద్ద ఎత్తున ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఓ హైదరాబాద్ స్టూడియో